आज इस वार्षिकोत्सव के पावन पर्व पर हमारे अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित है। वी आर वेरी हैप्पी टू फाइंड देम एज अ गेस्ट ऑन आवर एनुअल फंक्शन। कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में भक्ति एंड डिवोशन टुवर्ड गॉड इज वनली थिंग दैट विल लीड अस टू हिज ग्रेस आल्सो प्रेइंग एंड एक्सेप्टिंग मटेरियल गेन्स इन रिटर्न विल नेवर हेल्प अस टू अटेन लॉर्ड्स ग्रेस। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्योर ऑफ थॉट वर्ड्स एंड डीड्स एंड ऑफरिंग आवर हार्ट एंड सर यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के लिए इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इस तरह के फंक्शन के तीन होते हैं। एक तो इसी कारण अध्यापक बच्चे और अभिभावक तीनों एक जगह आते हैं और तीनों आपस में मिलते जुलते बात करते हैं कैसे स्कूल आगे बढ़े कैसे। दूसरा साल भर मेहनत करने के बाद बच्चे थोड़ा उत्सव तो एक उत्सव लोग मनाते हैं जिसमें उनके परिवार के लोग अध्यापकों की सहभाग और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर बच्चे के अंदर एक रचना धर्मता छुपी हुई है क्रिएटिविटी छुपी हुई है। इसी बहाने उनके अंदर जो रचनात्मक बहु होता है वो स्टेज पर उजागर होता है। इससे जो एक फोबिया होता है जो मन में डर होता है क्योंकि स्टेज पर बोलना जाना कैसे वो इसी के माध्यम से कला इस कला के माध्यम से हर स्कूल और एक अच्छी कलाकोत्सव भर के विद्यार्थियों भावकों और अभिभावकों का एक प्रकार से निकलने का क्योंकि विद्यार्थी का जो विकास है उस विकास में दोनों का बराबर योगदान होता है। जितना योगदान अच्छा सकता है उससे अधिक योगदान उनके अनुभावक का। बच्चा तो विद्यालय में 6 घंटे रहता है लेकिन इसके बाद का समय तो उसका घर से रहता है तो घर का परिवेश उसके विकास में योगदान करता है और विद्यालय में आने पर अध्यापक उस विकास को उनके उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वह छात्र के विकास के लिए प्रतिभा के समन्वयन के लिए अवसर मिलता है।